आज कलाक ये लावा जो हवेली तो सामने लाता एक दल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता सारे ठीक ठाक हो, नहा नू के फ्रैश हो अलहमदुल्ला। तो थोड़ी सुरत जी सैट हुई है क्योंकि सर्दी बहुत है, तो मैं घर आया। तो आज कलाक ये लावा जो हवेली इधर क्योंकि बंद होया तो सैल भी मुकया से, वैसे भी थोड़ा जहा खराब से घटा बहुत पिया, तो हम सैट कराया हम लैके चले बेटी। उसे टाइम का बहुत मसला बन लग गया क्योंकि घर चो नहीं होंगी ना टाइम देख के 4:30 बजे, तो बैर घर आता क्योंकि सारी टाइम पट्ठिया ही लंघ जाती थी। तो इस वास्ते टाइम सैट करा लिया 3 बज गए तो 45 मिनट हो गए है, तो हम चलते हैं जाके घर चो ले। हवेली जल अलहमदुल्ला पहुँच गए हैं, तो जानवर देख लो पुठे पुठे खा के मझ बैठी है, हूँ उठ पलई है। तो इन्हें देखो टप से पै रखे है, तो कलाक लैन दा इन्हों लाने जी इतने कोई जगह सैट सुट करके बल्ब जला लीए। बत्ती चल गए मेरे ख्याल इन फिर तो रख दें इतने। गंद पा दिता जी थले नहा के आ कसमे इन्नी सर्दे, तुम बाहर का व्यू दिखा बहर की सूरत हाल है। सब तो पहले इन्हों का गोहा चक गई है, तो पैर भी देख लो कि गंदी हुई है, कि बारिश पई उदन ही साफ होना। गाइस चेक करो आ देसी किकर है, गूंद ये देखो सर्दी की वजह ने कि निकली बाहर, तो चोन भी दई है गिला होया साइड। अल्फी तना है गूंद ये गाइज, मौसम खजा केड़ी जो आ गई है, दरख्तों के कि पत्ते झड़ी जाते, अक का बूटा सारा देखो सुक गया सर्दी की वजह ने, तो आ शरीर ये पत्ते सारे झड़ गए क्योंकि मौसम खजा केड़ी है हम शुरू हो गई है, सारे दरख्तों के कि पत्ते झड़ जाने हैं। फिर दूसरे महीने की एंड के मौसम बहार आ जानी है, फिर दोबारा पत्ते गिरे आ जाने हैं। देखो कि सड़क भरी पत्ते आना, आ देखो आ सारे पत्ते हौली हौली कह दरख्त कि झड़न लग पे है, तो सर्दी तो भी देख लो जी सुबह की धुंध पई है, हवा कि वगन दई है वो वजह ना धुंध आई जाती है, फिर धुंध आन दई है, तो सर्दी बहुत हद तक ठड़न दे है। इदा कि बर्फ नहीं होंगी हत्थां च, बहुत सर्दी है अज। तुम आले दुआले पैलियां का व्यू चेक कर लो किस तरह धुंध पई है, तो नहर कि बंद हुई है 1 महीने वास्ते, इस वास्ते खारे च पानी है नहीं। मैं जा रहा वाक कर थोड़ी थोड़ी, मैं क्या वाक कर लिए सर्दी बहुत है। दूजिया के काम चेक कर लो जी,
आ जी बाग होंदा सी आ हुण तां मुक गया चाह दे बूटे आ जिहड़े विच लगे आ एक ते दो बूटे आ वा लैन से तीन चार बूटे आ पूरा किला बाग दा सी हुण दुहाड़ा रह गया दुहाड़े दे विच कि चंद बूटे आ बाकी सब मुक गया देखो मरूद लगे भी है चेक करो माशाल्लाह अरे पक्के हैं नहीं अरे कच्चे ते आ हैगा केलियां दा बूटा केले केड़े हुण सुक गए आ अच्छा किदो केला किदो केले का लूंगड़ गया ला दी ना उदो केला के बूटा सुक जाता सारा फिर दोबारा बहाल होंदा वा आ देखो पत्ते किदा किड़े सारे आ देखो टालियां दे यार गंजियां हो गई टालियां कुछ रेंदियां कुछ हो गई अच्छे बच्चे जो गोंगलू धोंदे रहे हैं लोग सर्दियों गाइज आ गया बोर्ड आए बहुत चौंदा है किन्ने बोर्ड आ बहुत चौंदा एक साढ़े वाला एक आ बहुत चौंदे हाले तक चोई जाते हैं तो आ है साडा मेन खाला कि नहर का पानी आता वा कि फसलों लगता वा हफ्ते बाद वारी होंगी है पानी दे सारे जिमीदार भरा के लाते हैं तो आ नलका बहुत पुराना वा आ टूबवैल भी काफ़ी पुराना वा यह नहर फिर बंद हुई है महीने बाद आनी है महीने की बंदी हो जाती है नहर की वैसे हूँ पानी की कोई लोड़ नहीं हैगी क्योंकि सर्दी है तो पानी ला दी तो हूँ महीना महीना सुकता ही नहीं है फसलों कणक पानी ला लो दिता आम ने अच्छा जी आ टोपी का बड़ा ट्रेंड चलन दिया वा अजक ये पठान पठानी टोपड़ी इन टोपी कहा जाता वा पहले मैं दूसरी ले सी अज मैं क्या आ पा के देख रहे हैं तो कैसी लग रही है कमेंट ज दस्यो तो सर्दी ना तो नाक ही नहीं बंद हो पानी चोई जाता क्योंकि सर्दी बहुत आ सर्दी हद तो भी ज़्यादा वा तो एक सर्दी के बिजली बहुत जान रही है हूँ बिजली गई है हूँ पता नहीं कदों आना वा एक ठंड बहुत उतो बत्ती गिरी चल जाती है मैं क्या कलाक केड़ा ला दीजिए क्योंकि टाइम देखने बहुत मुश्किल आती है किसी पूछना पैंता कि टाइम दसे यार तो खराब होया घर लै गया तो वो सैल पाया तो सैट भी किया तो घट्टा बहुत सी यार एक नाल ने कमरा प्लस्तर किया तो वजह सलाब चढ़ गया वो वजह जो टाइम पीस रोक गया तो अब सैट कराया तो उन्होंने केल ठो के लाने लाइट जी आ गई है तो हूँ इस जगह लाने टाइम पीस ताकि कि बल्ब चले तो सीधी रोशनी क्या टाइम पीस च पवे ताकि टाइम क्या क्लीयर दिखे तो इतने लाने किल ठोक के किला ये पिछे यार सीधा करके लाने देखो गाइस सैट हो गया काम देखो ये तो सामने लाता एक दल बल्ब की कई रोशनियाँ वो सीधी कलाक से पैन दी है तो
4:15 हो गया, तो 4:30 बजे धार कढ लैनी मझ दी, तो कम कुम बैठ के भाई जाके तो रजाइया पीने, क्योंकि ठंड बहुत आ। अपना आप बचाओ भाई, सर्दी बहुत आ। मार्च कुतरे पत्ते गोंगलुआ दे, तो खान ही दे डंगर, उदा ही खुड़दियाँ भरियां, तो चेक करो उदा ही खुड़दियाँ गए भरियां पईयां, कोई भी नहीं डंगर खान दिया पिट्ठे, पता नहीं की वजह, पट्ठे जद पत्ते कौड़े है तो या कोई वजह, अभी इधर उत्थे अड्डे अगे उदा ही पे है, खान ही दे उत्ते वंडा पावांगे तो फिर खाणगे। तो सर्दी अगे बहुत आ, देखो मझ दी कि अखा चमकन दी, चेक करो ये जानवर, बल्ब बंद कर दो ना, अंदर बंद के बल्ब बंद कर दो, इन्हों की अखा चमक दी। लो जी अपना धार का टाइम हो गया, कट्टी जी अपने दुध पीने लग पी है, तेन जी एक पीला थान कर दता वा, क्योंकि वड्डी हो गई है, ऐदा जो दुध पिलाई गए तो इन्हें पट्ठे नहीं खाने है, सुबह दो थानी चंघाई दे, इस टाइम पिछला एक चंघा देता वा, असी क्या थोड़ा थोड़ा जहा पट्ठिया ने मूँह मारे तो फिर ही इन्हें वड्डे होना वा, ऐसा दुध सिर ते इन्हें छेती नहीं पलना है। अच्छा गाय धार के कड ली मझ दे, तो अज के ब्लॉग का इतने करते हैं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, वो चैनल में जब सबसक्राइब कर लिया करो, ताे वास्ते वीडियो बनाई दी है, तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि नोटिफिकेशन क्या नवे ब्लॉग का ताे तक पहुँचता रहे, तो अज की इन्नी वीडियो सी है, नैक्सट ब्लॉग च मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, सर्दी से बचे दो क्योंकि सर्दी बहुत आ, बाहर कि घट निकलो, एक सुकी सर्दी बहुत पैन दी है, वजह ना बीमार लोग बहुत हो जुकाम कड़ा बहुत हो, बाकी अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे, अपना ख्याल रखो।